हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, मैं नहारी बना रही हूँ। इसमें मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और चार पांच प्याज काट लिया है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी पीस के तैयार कर लिया है। देखिए, ये हमारा तेल गरम हो चुका है, ये मैंने पहले से ही रख दिया था। अब सबसे पहले इसको मैं प्याज को तल लेना है। सबसे पहले प्याज को तल लेना है और ये प्याज भून जाए अच्छी तरीके से, फिर इसको निकाल लेना है। ये गोश्त है हमारा, इसके बड़े बड़े पीसेज है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है इस तरीके से। जैसे कि ये छोटा सा पीस है, ऐसे काट लेना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गलाना होता है। जैसे कि उंगली से करो वो फिसल जाए, इतना गलाना है। देखिए गाइस, ये मैंने गोश्त छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसकी थोड़े छोटे छोटे पीचेस कर लिए हैं। अब हम हमारी प्याज भी भून रही है, इसमें देखिए बढ़िया सा कलर आ रहा है, इसको ब्राउन आने तक भून लेना है। फिर इसको भूनने के बाद इसको निकाल लेना है। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले हम गरम मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा, इससे भी अच्छा कलर हो जाएगा। देखिए, अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, मैं नहारी बना रही हूँ। इसमें मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और चार पांच प्याज काट लिया है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी पीस के तैयार कर लिया है। देखिए, ये हमारा तेल गरम हो चुका है, ये मैंने पहले से ही रख दिया था। अब सबसे पहले इसको मैं प्याज को तल लेना है। सबसे पहले प्याज को तल लेना है और ये प्याज भून जाए अच्छी तरीके से, फिर इसको निकाल लेना है। ये गोश्त है हमारा, इसके बड़े बड़े पीसेज है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है इस तरीके से। जैसे कि ये छोटा सा पीस है, ऐसे काट लेना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गलाना होता है। जैसे कि उंगली से करो वो फिसल जाए, इतना गलाना है। देखिए गाइस, ये मैंने गोश्त छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसकी थोड़े छोटे छोटे पीचेस कर लिए हैं। अब हम हमारी प्याज भी भून रही है, इसमें देखिए बढ़िया सा कलर आ रहा है, इसको ब्राउन आने तक भून लेना है। फिर इसको भूनने के बाद इसको निकाल लेना है। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले हम गरम मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा, इससे भी अच्छा कलर हो जाएगा। देखिए, अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। देखिए, इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी, लाल मिर्च और धनिया स्वाद अनुसार नमक। देखिए, ये हमारा मसाला भुंज गया है। देखिए, इसमें अच्छा सा कलर आ रहा है, ये तेल छोड़ जाए फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। इसको मैंने पहले से धो के रखा था, इसमें हम गोश्त डालेंगे और गोश्त को भी बहुत अच्छे तरीके से भूंज लेना है। अब हमें इसको चला लेना है अच्छे तरीके से। पीस कर पेस्ट बना लेना है, उसके बाद जब थोड़ा सा गोश्त गल जाए जब इसको डालना है। देखिए, इसमें ये मसाला भी डलता है। देखिए गाइस, नहारी में थोड़ी सी मैदा, थोड़ा सा बेसन, इसको भूंज के जब सब्जी गल जाए उसी में इसको डाल देना है। और एक बात याद रखना है गाइस, जैसे ही आपका गोश्त भूंज जाता है उसमें से आप तेल उतार लेना, उसके बाद इसको डालना, वरना आपका तेल सब्जी में पता नहीं चलेगा। देखिए, आप देख सकते हो, थोड़ा सा बेसन है, थोड़ी सी मैदा है, इतनी सी बस आपको भूंज कर डाल लेना है, तेल उतार लेना है। जब आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाए और तेल उतार के रखना है, वो ही तेल आपको बाद में डाल लेना है।
वरना तुम इसको डालोगी फिर तेल आपका पता नहीं चलेगा, तुम कितना भी तेल डाल लेना उसमें। देखिए मैदा हुआ दे रहे हैं, जलने ना पाए। देखिए गाइस नहारी में थोड़ी सी मैदा थोड़ा सा बेसन इसको भूंज के जब सब्जी गल जाए उसी में इसको डाल देना है। और एक बात याद रखना है गाइस, जैसे ही आपका गोश्त भुंज जाता है उसमें से आप तेल उतार लेना, उसके बाद इसको डालना, वरना आपका तेल सब्जी में पता नहीं चलेगा। देखिए आप देख सकते हो थोड़ा सा बेसन है, थोड़ी सी मैदा है, इतनी सी बस आपको भूंज कर डाल लेना है, तेल उतार लेना है जब आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाए, और तेल उतार के रखना है, वो ही तेल आपको बाद में डाल लेना है, वरना तुम इसको डालोगे फिर तेल आपका पता नहीं चलेगा, तुम कितना भी तेल डाल लेना उसमें। देखिए मैदा हुआ भून दे रहे हैं, जलने ना पाए। उसके बाद आपको बेसन डालना है और बेसन को भी भून लेना है। हमारा चम्मच था तो मैंने इसी से भून लिया है। हल्की हल्की गैस जलाना है, वरना हो जाए फिर इसको निकाल लेना है। उसके बाद देखिए हम बेसन को भून रहे हैं, जलने ना पाए, बस जल्दी जल्दी इसको चलाते रहना है, हल्का जब कलर डाउन होने तक इसको। देखिए ये मैंने प्याज भून कर रही थी।